बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद खोतन हजरात, ज़रा एक टिपिकल सवाल को नोट कीजिएगा। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, यहिया, यूसुफ और दाऊद अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या ये मुकद्दस लोग तारीख के हकीकी किरदार हैं? रिलीजियस हिस्ट्री जिसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुरान है, कुरान बहुत सारी कौमों की दास्तान सुनाता है। मज़हब की किताबों के मुताबिक कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस सियारे पर तशरीफ़ लाए, उनमें बहुत सारों के नाम और वाकयात हमें मालूम है। अब एक तरफ है रिलीजियस हिस्ट्री तो दूसरी तरफ है इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, जिसे लिखने से कबल आर्कियोलॉजिस्ट अपने तमाम साइंसी आलात और जदीद टेक्निक्स के साथ मतलूबा इलाके में उतरते हैं। वहाँ की खंडरात और बाकियात से हज़ारों साल पुराना एक मुमकिन स्ट्रक्चर तरतीब देते हैं कि वो इलाका कैसा होता होगा। इसके अलावा हिस्ट्री प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स की एक टीम अलग से उस इलाके पर किताबी मवाद तलाश करती है, यानी इतने जान जोखों के बाद जो तारीख लिखी जाती है वो दुनिया की मुस्तनद तरीन और सांझी हिस्ट्री समझी जाती है। अब इंडिपेंडेंट हिस्ट्री और रिलीजियस हिस्ट्री दोनों का फोकस मिस्र की सरजमीन की तरफ मोड़ें तो रिलीजियस हिस्ट्री वहाँ मूसा और फिरौन के वाकयात को बयान करती है, लेकिन उस एज ऑफ टाइम का पॉलिटिकल और जियोग्राफिकली स्ट्रक्चर जो है वो रिलीजियस हिस्ट्री बयान नहीं करती। जबकि इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ठीक उसी इलाके में उसी टाइम में बहुत कुछ बयान करती है, लेकिन वो किसी मूसा और किसी फिरौन को नहीं पहचानती। इंडिपेंडेंट हिस्ट्री दुनिया के हर इलाके पर बात करती है, लेकिन वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को भी नहीं पहचानती। क्यों? अच्छा जी, ये सवाल है एक मशहूर मुल्द हारस सुल्तान का। हज़रत ईसा से पहले जितने भी अंबिया का जिक्र जो मशरिक़े वुस्ता के मोनोथीस्टिक मज़हब में आता है कि हज़रत मूसा, दाऊद, इब्राहीम, नूह, इन लोगों का तारीख में कोई जिक्र नहीं है और ये लोग नहीं गुजरे, ये सिर्फ कहानियां हैं। ये बात नहीं कि वो पुराने जमाने थे, वहां पे उस वक्त कोई लिखत पढ़त नहीं होती थी, नहीं, लिखत पढ़त पिछले तकरीबन 8,000 साल से हो रही है, 7,000 साल से हो रही है। अच्छा, सवाल शायद आपको ठीक से समझ नहीं आया होगा, मैं आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ। वो कहता है कि तारीख 7,000 साल कबल कलम बंद होना शुरू हुई, जब से तहरीर ईजाद हुई है मिस्रियों ने अपनी एक एक चीज को दीवार पर लिखा है, लेकिन मिस्र का एक ताकतवर बादशाह जिसने खुदाई का दावा भी किया हो और वो पानी में डूब मरे और उसके मरने की वजह एक मूसा नामी शख्स रहा हो, इतना बड़ा हादसा मिस्रियों ने कहीं दर्ज क्यों नहीं किया? यूसुफ नामी एक खूबसूरत नौजवान जिसके हुसन की मिसाल मशरक और मगरब में कहीं नहीं मिलती, वो मिस्र का हाकम रहा हो और उसकी एक अलग आइडियोलॉजी भी हो, उसका भी मिस्रियों ने तारीख लिखते वक्त कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इसी तरह कुरान जिन इलाकों के नाम लेता है, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री और 7,000 साल कबल जो तारीख लिखी गई थी या इस दौरान जो तारीख लिखी गई है उनमें इन इलाकों का कहीं कोई जिक्र मौजूद ही नहीं है। कदीम इंसानों ने अपने देवताओं के बारे में लिखा, लेकिन वहां भी किसी ऐसे शख्स का जिक्र नहीं किया जिसकी आइडियोलॉजी सबसे अलग हो, वो किसी आसमानी खुदा की तरफ बुलाता हो और फिर कौम या कबीले की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया था उसका भी कहीं पर कोई जिक्र नहीं आता। ये सारे किस्से आपको रिलीजियस हिस्ट्री में ही मिलेंगे, जिसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुरान है, जो कि असर हाजर में गलत साबित हो रहा है, नऊज़ बिल्ला। यानी हारस सुल्तान अपने इस सवाल में अम्बिया की आमद का मुकम्मल इनकार कर रहा है और हमसे जवाब तलब कर रहा है कि ऐसा क्यों। हम इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब देंगे, हालांकि इसकी वीडियो के नीचे तो लोगों ने कहा हुआ था कि इंडिपेंडेंट हिस्ट्री काफरों की लिखी हुई है, वो अम्बिया का जिक्र क्यों करेंगे। अच्छा, ये तो आम सा एक जवाब बनता है जो जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं इंशाल्लाह इस बात का, इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं। साइंस फिक्शन पर भी बहुत सारा डाटा यहाँ अपलोड होता है। पहली बात तो यह है कि हारस सुल्तान का ये सवाल इल्मी से ज्यादा जज्बाती नोयत का है।
अगर ये कदीम सिविलाइजेशंस के बारे में कुछ जानते होते तो इन्हीं मालूम होता कि तहरीर 7-8 हजार साल पहले नहीं बल्कि 5 हजार साल कबल मौजूदा मशरक वस्ता वहाँ मेसोपोटामिया नामी एक तहजीब गुजरी है, उनके हाथों 5 हजार साल कबल तहरीर इजाद हुई। अब हिस्ट्री रिकॉर्ड रखने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट सिस्टम होता है और इस सिस्टम से पहले यानी दुनिया की पहली सल्तनत कायम होने से पहले इंसान दुनिया में जो भी करता रहा वो एक राज है, उससे पर्दा नहीं उठ सकता क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा सका। हारस सुल्तान साहब, मेसोपोटामिया वो पहली तहजीब थी जिसने दुनिया की पहली सल्तनत कायम की, पहला सरबराह सामने आया, इंडस्ट्री का तस्वर भी इसी तहजीब में ही उभरा। जो कि सवाल आपका हिस्ट्री पर है, तहरीर की इजाद के बाद कदीम हिस्ट्री में 40 कौमें गुजरी हैं और 40 की 40 ने ही तबाह होने से कबल अपना हिस्ट्री रिकॉर्ड मुरतब किया है। इन्हीं 40 कौमों में कई अंबिया भी गुजरे हैं। दिलचस्पी का पहलू यह है कि बुलंदो बांग मजबूत कले रखने वाली ये कौमें किस तरह तबाह हुई। अपना हिस्ट्री रिकॉर्ड रखने के बावजूद, लिखने के बावजूद हमें आज तक ये नहीं पता कि इन इलाकों के उस दौर में असल नाम क्या थे, इन इलाकों की शख्सी तारीख क्या है। बहुत सारे सवाल उलझे हैं और अभी तक उनका जवाब सामने नहीं आया। अच्छा, अब हारस सुल्तान कहते हैं कि तहरीर 7000 साल से लिखी जा रही है और हर तहजीब ने अपना रिकॉर्ड मुरतब किया है, मान लिया इस बात को। अब मैं नहायत अदब से पूछना चाहूंगा कि उन हजारों तहरीरों में, इन हजारों पत्थरों में से आज का इंसान कितनी तहरीरें पढ़ पाया है। मिस्र में रामेस फिरौन और मूसा का किस्सा तो एक तरफ, वहां जो पैरामिड बने हुए हैं उनका राज अभी तक नहीं खुल सका, ये किसने और क्यों बनवाए। रापा नुई सिविलाइजेशन और उसके ये बुत क्या है। अफ्रीकी जंगलात में ये ऊंची इमारत किसने और क्यों बनाई। यहाँ तबलीग के लिए कौन आया, इनका मजहब क्या था और उसका प्रचार पहले किसने किया। यहाँ का सरबराह कौन था, उसका नाम क्या था। इस इलाके की मुकम्मल शख्सी तारीख क्या है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। हालांकि तहरीरें यहाँ से भी मिली हैं। मैं 40 तहजीबों के नाम दे रहा हूँ, अगर कोई इन तहजीबों के शहनशाहों, वजीरों, मशीरों, गर्ज सोशल डिवेलपमेंट में हिस्सा लेने वाले किसी एक शख्स का नाम भी बता दें तो मैं तस्लीम करने को तैयार हूं कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया की आमद महज एक अफसाना है। हालांकि मोजेस खोदने जरात, इन तहजीबों ने पत्थरों और दीवारों पर अपनी पूरी तारीख लिखी है। हजारों साल पुरानी कुर्बान गाहों, मंदिरों और महलों में बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन आज का इंसान उसे पढ़ने से कासिर है। और ये बेबसी किस इंतहा को पहुंची हुई है, मैं स्मिथसोनियन मैगजीन का एक आर्टिकल आपसे शेयर करता हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। एक रिसर्चर हैं डेविड जैक्स, कदीम तहजीबें और उनकी ना समझने वाली तहरीरों पर एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब करते हैं। अब उनके बकौल कदीम तहजीबों की तलाश में रेडियो कार्बन डेटिंग और इस तरह के दीगर साइंटिफिक तरीकों से हम किसी भी इलाके की सकाफत, मजहब, मजाज जिंदगी, सोशल इन्वायरमेंट, गर्ज हर चीज तक रिसाई हासिल कर लेते हैं। लेकिन इन तहजीबों की तहरीरों पर जो दर्ज है वो हमें उस दौर की शख्सी तारीख मुहैया कर सकती है जिससे हम फुली तौर पर उस कदीम दौर की तारीख को जान सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हड़िप्पा, मोहनजोदड़ो समेत तमाम कदीम इलाके अभी तक सीगाए राज में हैं। अब उनके आर्टिकल में जो दिलचस्पी का पॉइंट आता है वो कहते हैं कि 2004 में इन तहरीरों को पढ़ने का शौक मुसलसल नाकामी की वजह से तकरीबन खत्म होकर रह गया और करीब था कि जितना जान लिया उतना काफी समझकर हम पीछे हट जाते। भारत के एक प्रोफेसर राजेश राव ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक अनोखा मिशन तरतीब दिया। उसने कदीम तहरीरों के राज से पर्दा उठाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करने का फैसला किया। अब इस मिशन में दुनिया भर के माहिरीन शामिल हुए, स्पेस साइंस, मैथ एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, इंजीनियर्स। गर्ज इस वक्त इंसानी जहानत के उरूज की जितनी भी शक्लें मौजूद हैं सभी ने खुद को एक ऐसे प्रोग्राम की इजाद के लिए वक्फ कर दिया जो इन कदीम जबानों को डिकोड कर सके। अब प्रोग्राम के पहले मरहले में हमारी जितनी भी कदीम जुबानें हैं इस दुनिया में, संस्कृत, टेमल, सुमेरियन, इन जुबानों को प्रोग्राम में ऐड किया गया। अब दूसरे मरहले में
कंप्यूटर की जितनी भी कोडिंग इस वक्त दुनिया में मौजूद है, कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेज मौजूद हैं, उन तमाम जुबानों को प्रोग्राम के दूसरे मरहले में ऐड किया गया। और सबसे दिलचस्पी का पहलू यह है कि तीसरे मरहले में, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम की इजाद के तीसरे मरहले में, इंसान के डीएनए से अब तक जो डेटा दरियाफ्त हुआ है उसको उस प्रोग्राम में ऐड किया गया। अब डीएनए डेटा अपलोड करने का मतलब ये था कि जब इंसान किसी चीज को पहली बार देखता है तो उसके अंदर किस किस्म की एक्टिविटी होती है, वो कैसे किसी पहली बार देखी गई चीज को कोई नाम देता है, कैसे उस नाम को लिखने की कोशिश करता है, वो आड़ी तिरछी लकीरें कैसे इंसानी नफ्सियात की अकास होती हैं। कदीम जुबानें संस्कृत, टेमल, सुमेरियन वगैरह सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के पीछे वजह इन जुबानों की गुमनाम तारीख है। ये कैसे और किन किन शक्लों में होती हुई मौजूदा दौर तक पहुंची? मुमकिन है कि इन कदीम जुबानों के कुछ अल्फाज की ममासलत इन कदीम तहरीरों में मौजूद हो, जबकि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में अपडेट करने का मतलब वो खुद से उस स्क्रिप्ट को अपने अंदर घुमाए और कई तरह की लैंग्वेज इनोवेट करके उसमें हकीकत के करीब एक तजिया पेश करे। मोजस खौतन हजरात, राजेश राव का ये मंसूबा बहुत शानदार था। उसने एक ही वक्त में सैकड़ों दिमागों और सालों की मेहनत को एक सॉफ्टवेयर में डालकर एक मुश्तरका ब्रेन ईजाद किया था जिसने कदीम स्क्रिप्ट को जज करना शुरू किया तो पहली बार इन तहरीरों के मतलब समझ आना शुरू हुए। लेकिन ये कामयाबी अभी सिर्फ 20% तक ही महदूद है। इन इलाकों की शख्सी तारीख अब भी पर्दे में है। हारिस सुल्तान का सवाल तब बनता जब तमाम स्क्रिप्ट रीड किए जा चुके हों, इन पैरामिड, बुतों और इन इमारतों की असल दास्तान खुल चुकी हो, तब आप हमें कहो कि जनाब इन दरों दीवार पर किसी नबी का नाम दर्ज क्यों नहीं है? मिस्र के इस स्क्रिप्ट में मूसा की तारीख किधर है? हारिस सुल्तान, आप जिस तारीख को मुस्तनद तारीख कहते हो, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, वो तो यूनान तक जाकर खत्म हो जाती है। उस दौर तक जो अंबिया आए उनका नाम इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में मौजूद है। यूनान की तारीख के पीछे आप इस स्क्रिप्ट को डिकोड कर दें, हम आपको 1,24,000 कमोबेश अंबिया की आमद साबित कर देंगे। आप अपना काम करके दिखाएं और हम उसके बाद अपना काम करेंगे। मौजूद खौतन हजरात, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इल्मी और पचीदा था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।